नमस्कार साथियों, मैं भानुप्रिया बैरागी GLCIAS से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पहले हम हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम आज डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इम्पैक्ट ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म रिलीजन ऑन इंडियन सोसाइटी। तो जो जैनिज्म और बुद्धिज्म रिलीजन जो हमारे इंडिया में उभरे थे, उनका सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो इंट्रोडक्शन आप लिख लीजिएगा, मैं इसका मेन मेन पार्ट दिखा देती हूँ। पहला इम्पैक्ट था लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। लिटरेचर और लैंग्वेज, ये दोनों जो थे, इस पर इन्होंने काफ़ी इम्पैक्ट डाला। जैसे कि जैन कंट्रीब्यूट टू प्राकृत लिटरेचर, जो जैनिज्म थे उन्होंने प्राकृत साहित्य जो था उस पर इम्पैक्ट डाला। और द पाली एंड अदर लोकल लैंग्वेज डेवलप्ड थ्रू द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म की टीचिंग से जो पाली और अदर लैंग्वेजेस थी, लोकल लैंग्वेजेस वहाँ की, वो डेवलप हुई। दूसरा इम्पैक्ट जो था वो था आर्ट एंड लिटरेचर पर। तो द स्तूपास एट सांची, भरहूत एंड गया, दिलवाड़ा जैन टेम्पल, दैट डोमेन ऑन वंडरफुल आर्किटेक्चर, बुद्धिज्म टेक क्रेडिट फॉर चैत्य एंड विहार्स इन इंडिया। तो जो हमारे यहाँ पर स्तूप है सांची के, भरहूत के, या फिर गया स्तूप, ये सभी जो है इन पर जो है जैनिज्म, जो जैन आर्किटेक्चर है, इन्होंने ये इम्पैक्ट डाला हमारी इंडियन सोसाइटी पे। और जो बुद्धिज्म है उसने जैसे कि चैत्य और विहार और ये थे, इन सभी आर्किटेक्चर को बनवाकर और इंडियन सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाला। दूसरा है फिलोसॉफी, द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा वॉज चीफ कंट्रीब्यूशन, लेटर इट बिकम वन ऑफ द चेरिश्ड वैल्यूज ऑफ आवर नेशन। और जो फिलोसॉफी मीन्स जो इसको दर्शन जो बोलते हैं हम, तो एक अहिंसा नाम का कॉन्सेप्ट है, वो जैनिज्म और बुद्धिज्म से निकल कर आया, जो कि हमारे अभी जो फिलहाल जो हमारे नेशन है इसकी बहुत अच्छी एक मॉरल वैल्यू मानी जाती है अहिंसा। दूसरा है सिंपल रिलीजन, इट्स प्रिंसिपल वर वेरी सिंपल, इट वॉज ईजीली फॉलोड बाई पीपल, इट वॉज नॉट कॉम्प्लेक्स लाइक वैदिक रिलीजन। तो ये एक सिंपल रिलीजन है, इसमें जैसे कि वैदिक कल्चर में या वैदिक रिलीजन में जो भी टफ रूल्स थे कि संस्कृत में ये होना चाहिए, संस्कृत में श्लोक बोलना, उसमें जो भी टफ या स्ट्रिक्ट रूल्स थे वो सारे रूल्स इसमें नहीं थे। नेक्स्ट इम्पैक्ट है अपोजिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म जो थे वो कास्ट सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ थे। तो ड्यू टू देयर अपोजिशन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कास्ट सिस्टम रिड्यूस्ड फ्रॉम द सोसाइटी। वैदिक रिलीजन में जो फिर जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें कास्ट सिस्टम काफ़ी बढ़ चुका था, जो कि जैनिज्म और बुद्धिज्म ने आके इसका अपोज किया। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म अराउज टू सूट द नीड्स ऑफ चेंजिंग सोसाइटी एंड लेफ्ट एन इनडेलिबल मार्क इन इंडियाज कल्चर, आर्किटेक्चर, फिलोसॉफी एट्सेट्रा। तो जो जैनिज्म और बुद्धिज्म थे वो जो हमारी सोसाइटी जो चेंजेस चाहती थी उस चेंजेस के अकॉर्डिंग ये उभरे, और इन्होंने कल्चर, आर्किटेक्चर और फिलोसॉफी को लेकर काफ़ी चेंजेस किए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रीज़न फॉर राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन इंडिया। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म जो रिलीजन थे उनके उदय होने के क्या कारण रहे हैं, तो इसका इंट्रोडक्शन है, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इमर्ज्ड एज द मोस्ट पोटेंट रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ड्यूरिंग 6th century BC, द स्प्रंग आउट फ्रॉम द सेम रूट। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वो एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के रूप में उभरे। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट मतलब कि जो वैदिक रिलीजन चल रहा था उसमें जो काफ़ी सुपरस्टिशंस या फिर कुछ भी अनवांटेड जो बिलीफ सिस्टम चल रहे थे उसमें रिफॉर्म करने के लिए, उसको सुधारने के लिए जैनिज्म और बुद्धिज्म रिलीजन उभरे, और ये दोनों सेम रूट से उभरना इनका माना जाता है। तो पहला जो कॉज है वो है सोशल कॉज, ड्यू टू रिजिड कास्ट सिस्टम इनइक्वलिटी एग्जिस्ट एंड क्षत्रिय डोमिनेटेड ऑन द प्रिस्टले क्लास एंड बोथ बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग टू क्षत्रिय क्लैन। तो जो वैदिक कल्चर में रिजिड कास्ट सिस्टम था उसकी वजह से इनइक्वलिटी काफ़ी बढ़ रही थी, तो उस इनइक्वलिटी को हटाने का भी एक रीज़न माना जाता है कि उस वजह से जो बुद्धिज्म और जो
जैनिज्म रिलीजन थे वो आए, जैसे कि उस वक्त जो प्रिस्टले क्लास थी मीन्स की जो पुजारी लोग या ब्राह्मण लोग थे वो टॉप पोजीशन पर थे और क्षत्रिय जो थे उनके बाद आते थे, तो उनको भी मतलब क्षत्रिय या फिर उनसे नीचे वाली जो क्लास थी वो भी चाहती थी कि इनइक्वालिटी ख़त्म हो। तो जो बुद्धिज्म से महावीर बुद्ध थे, महावीरा और बुद्ध जो दोनों थे वो क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे, तो वो भी चाहते थे कि जो प्रिस्टले क्लास की जो टॉप पोजीशन है या ब्राह्मण्स की टॉप पोजीशन है या फिर ये जो इनइक्वालिटी है वो ख़त्म हो। तो ये इसका एक सोशल कॉज माना जाता है। दूसरा है रिलीजियन अनरेस्ट। तो इन लेटर वैदिक पीरियड कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स एंड सेरेमनीज बिगेन टू डोमिनेट द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिप एंड इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव टू कॉमन मैन, सो ब्लाइंड फेथ एंड सुपरस्टिशियस कन्फ्यूज द पीपल। रिलीजियस अनरेस्ट से मतलब यहाँ पर यह है कि जो वैदिक पीरियड था उसमें जो जो भी हवन वगैरह या फिर जो भी रिचुअल्स सेरेमनीज जो भी होती थी वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी। मीन्स कि अगर आपको वर्शिप करना है, पूजा पाठ करना है, तो आपको संस्कृत में श्लोक बोल के करना होगा। तो ये संस्कृत की जो लैंग्वेज थी ये सिर्फ ब्राह्मणों को ही आती थी, बाकी उनके अलावा जो नीचे क्लास मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग पीपल्स थे उन लोगों को तो नहीं आती थी, तो उनको काफ़ी कठिनाई होती थी। और इस चक्कर में ब्राह्मण्स जो थे वो उनको कुछ भी संस्कृत बोलेंगे तो पता तो चलेगा नहीं, लोगों को तो कुछ भी बोल देते थे। और उसको काफ़ी एक्सपेंसिव भी कर दिया था, पूजा पाठ का जो सिस्टम था, रिचुअल्स सेरेमनीज थी उसको बहुत महंगा कर दिया था, क्योंकि कॉमन पीपल्स को तो वो आती नहीं थी इस वजह से, तो जो नॉर्मल पीपल थे वो इसको बियर नहीं कर पाते थे। और जो उस वक्त ब्लाइंड फेथ और जो सुपरस्टिशियस जो बिलीफ सिस्टम थे उन सभी से कन्फ्यूज होकर जो वो बहुत सारे पीपल थे उन्होंने जैनिज्म और बुद्धिज्म को भी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो ये रिलीजन अनरेस्ट भी इसका एक कॉज माना जाता है। अगला है इकोनॉमिक कोज, तो देखते हैं इसका इकोनॉमिक कारण क्या था। राइज ऑफ एग्रीकल्चर रेज्ड द डिमांड फॉर एनिमल्स विच वॉज बींग सेक्रीफाइज्ड फॉर रिचुअल सेरेमनीज, सो द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस सूटेड द एग्रेरियन कम्युनिटी। वैदिक कल्चर में क्या होता था, वैदिक कल्चर में मीन्स की वैदिक पीरियड में तो जो गाय थी उसको काफ़ी पूजा जाता था, काफ़ी अच्छा माना जाता था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आते आते कंडीशंस कुछ और हो चुकी थी। लेटर वैदिक पीरियड में आते आते जो जो भी एनिमल्स थे जैसे कि काऊ या फिर गाय बैल वगैरह जो भी ऐसे एनिमल्स थे जो एग्रीकल्चर में यूजफुल होते हैं उन सभी को रिचुअल्स और सेरेमनीज के लिए सेक्रीफाइस किया जाता था, मीन्स उनके लिए यूज़ किया जाता था रिचुअल्स और सेरेमनीज में। लेकिन जैनिज्म और बुद्धिज्म रिलीजन जब आए तब एग्रीकल्चर में भी काफ़ी राइज या इंक्रीजमेंट देखने को मिला। तो एग्रीकल्चर में इंक्रीजमेंट करना है तो उसके लिए एनिमल्स मीन्स जैसे कि काऊ बैल और ये सब है, तो इन सभी का यूज़ होता है, जो भी इसमें हल वगैरह चलाते हैं तो एनिमल्स का यूज़ होता है। तो इन एनिमल्स की डिमांड ने नॉन वायलेंस को भी जन्म दिया, और जो हमारे जैनिज्म और बुद्धिज्म रिलीजन है वो अहिंसा और नॉन वायलेंस को ही मानते हैं। और वैदिक लेटर वैदिक पीरियड में अहिंसा मतलब काफ़ी नॉन जो वायलेंस था वो एनिमल्स को लेकर काफ़ी बढ़ चुका था, तो इससे उभरने के लिए कॉमन पीपल्स जो थे उन्होंने भी जैनिज्म और बुद्धिज्म को फॉलो किया। तो मनी लेंडिंग प्रोहिबिटेड इन वेदास बट इट वॉज इम्पर्टिव फॉर ट्रेडर एंड मर्चेंट्स, दस मर्चेंट क्लास एक्सटेंडेड द सपोर्ट टू न्यू रिलीजन। जो हमारा वैदिक कल्चर था उसमें मनी लेंडिंग मीन्स कि उधार देना या उधार लेना प्रोहिबिटेड था, मीन्स मना था। तो लेकिन जो मर्चेंट या ट्रेडर क्लास है उन लोगों के लिए तो मनी लेंडिंग बहुत बड़ा बेस है उन लोगों के लिए, तो इस चीज़ को देखते हुए जो ट्रेडर्स हो या फिर मर्चेंट क्लास थी उन्होंने भी जो नए रिलीजन्स उस वक्त उभर रहे थे उनको फॉलो करने की कोशिश करी। ब्राह्मणिक सुप्रीमेसी एक रीज़न ये भी है, जैसे कि प्रिस्ट कंसाइडर्ड देमसेल्व सुपीरियर एंड अदर एज इन्फीरियर एंड टुक एडवांटेज ऑफ नोइंग संस्कृत वेयर इज दिस न्यू रिलीजन वर ओपन फॉर ऑल एंड प्रीच्ड इन लोकल लैंग्वेज विच फाउंड अपील टू कॉमन मासेज। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी थी काफ़ी बढ़ गई थी, ब्राह्मीण जो या फिर जो प्रिस्ट क्लास थी वो टॉप पोजीशन पर रहती थी, और वो अपन से जो क्षत्रिय या फिर उनसे नीचे और भी वैश्य शूद्र जो थे उन सभी को काफ़ी इन्फीरियर मानती थी, और जो उनको संस्कृत आती थी ब्राह्मणों को उसका वो काफ़ी एडवांटेज लेती थी।
इस वजह से जो ब्राह्मण के अलावा जो अदर कास्ट थी जैसे कि क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इन तीनों ने जो है लोकल लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए, क्योंकि जो ब्राह्मण थे वो तो संस्कृत का यूज़ करते थे, बाकी जो कास्ट थी उनको वो लोकल लैंग्वेज यूज़ करती थी, लेकिन जो वैदिक कल्चर है उसमें जो वर्शिप होती है वो संस्कृत में ही मानी जाती थी, लोकल लैंग्वेज में मानी नहीं जाती थी। और जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है उन्होंने लोकल लैंग्वेज में भी भगवान की पूजा पाठ करने के लिए उसमें परमिशन थी। तो इस चीज़ को लेकर जो कॉमन पीपल थे उन्होंने भी जैनिज्म और बुद्धिज्म को फॉलो किया। यही कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से जैनिज्म और बुद्धिज्म रिलीजन जो है उसको उभरने का चांस मिला और वो उभरे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके कुछ 3 मार्कर क्वेश्चन भी है वो भी देखते हैं। तीर्थंकर, तीर्थंकर क्या होता है? अ जैन टर्म फॉर अ पर्सन हु अचीव इनलाइटमेंट थ्रू एसेटिसिज्म, बिकमिंग अ रोल मॉडल टीचर फॉर दोज सीकिंग स्पिरिचुअल गाइडेंस। देयर आर टोटल 24 तीर्थंकरास इन जैन। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ, 23rd जैन तीर्थंकर, बोर्न एट वाराणसी, अटेंड लिब्रेशन ऑन द सबमिट ऑफ माउंट सम्मेद, जिसे पारसनाथ हिल्स भी बोलते हैं, यहाँ पर उन्होंने मोक्ष प्राप्ति करी थी। मेन टीचिंग ऑफ पार्श्वनाथ, इनकी है सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और ये तो है पार्श्वनाथ की मेन टीचिंग्स। और जिसे हम पंच महाव्रत बोलते हैं उसमें भी यही आती है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और एक और ऐड होती है उसमें ब्रह्मचर्य। तो जो ब्रह्मचर्य है वो महावीर के द्वारा दी गई है, और ये जो चारों शिक्षाएं हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये चारों पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई है। और पंच महाव्रत में बस इन चारों शिक्षाओं में ब्रह्मचर्य को ऐड कर दो तो ये पांचों, इनको पंच महाव्रत कहा जाता है। और ये महावीर का भी देख लीजिए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं 3 मार्कर, और आप इससे भी और ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चंस। एक 3 मार्कर क्वेश्चन और है कि यापनीय, इट वॉज अ सेक्ट ऑफ जैन रिलीजन इन वेस्टर्न कर्नाटक विच इज़ नाउ एक्सटिंक्ट। जो यापनीय है ये एक जैन धर्म जो है उसका ही एक संप्रदाय है, जो कि वेस्टर्न कर्नाटक में पहले उभरा था, लेकिन अभी ये लुप्त हो चुका है, अब ये देखने को नहीं मिलता है। मृगेश्वरम इंस्क्रिप्शन गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, एक अभिलेख है मृगेश्वरम अभिलेख जो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इट फॉलोज सर्टेन ओपिनियंस ऑफ श्वेतांबर एंड सम ऑफ दिगंबर। तो जो यापनीय संप्रदाय है इसमें कुछ जो रूल्स है वो श्वेतांबर के है और कुछ है दिगंबर के, तो इन दोनों को मिलाकर, इनके कुछ कुछ रूल्स को मिलाकर और यापनीय सेक्ट बनाया गया था। और अगला है आगम, इसको भी आप देख लीजिए, रीड कर लीजिएगा। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म। तो जो जैन है, जैन धर्म है, उसकी क्या क्या डॉक्ट्राइन्स थी मेन, उनको देख लेते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म आर मच ओल्डर देन बुद्धिज्म डॉक्ट्राइन्स विच आर एज फॉलोज। तो जो जैन की डॉक्ट्राइन्स है वो बुद्धिज्म की डॉक्ट्राइन से काफ़ी पुरानी है, जिसमें से पहली है अनेकांतवाद, ये जैन डॉक्ट्राइन्स है। अनेकांतवाद, डॉक्ट्राइन ऑफ मैनीफोल्ड नेचर ऑफ रियलिटी, इट इज़ लिटरली द डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन एब्सोल्यूटिज्म एंड मैनीफोल्डनेस। अनेकांतवाद का मतलब ये है कि डॉक्ट्राइन ऑफ मैनीफोल्ड नेचर ऑफ रियलिटी। तो यहाँ मैनीफोल्ड से मतलब ये है कि किसी भी एक चीज़ को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना, चाहे वो उसकी कुछ पॉजिटिव फीडबैक्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, उन सभी अलग अलग दृष्टिकोणों से उस वस्तु को देखने के बाद उसे अपनाना, यही है अनेकांतवाद। अगला है सियादवाद, थ्योरी ऑफ कंडीशनड प्रेडिक्शन, इट गेव इम्पोर्टेंस टू रिलेटिविटी ऑफ ऑल नॉलेज। जो सियादवाद है इसमें ऐसा कहा जाता है कि किसी भी वस्तु को है उसको सापेक्षता के सिद्धांत से देखना चाहिए। और एक है नयावाद, फिर उसके बाद है त्रिरत्न, जिसे हम जेम्स भी 3 जेम्स कहते हैं जैनिज्म के, वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। फिर है पंच महाव्रत, जो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ये 5 डॉक्ट्राइन्स है जैन रिलीजन की, कौन कौन सी? पहली है अनेकांतवाद, दूसरी है सियादवाद, तीसरी है नयावाद, चौथी है त्रिरत्न
और पांचवी है पंच महाव्रत। और जैनिज्म से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है जैन आर्किटेक्चर, तो जैन आर्किटेक्चर देख लेते हैं। जैनिज्म हैज इन्फ्लुएंस्ड एंड कंट्रीब्यूटेड टू मैनी आर्किटेक्चुरल स्टाइल्स इन इंडिया, दिस आर्किटेक्चर आर एज फॉलोज। तो जो जैनिज्म है इनका जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर स्टाइल जो है जैनिज्म की, उसने इंडिया का जो आर्किटेक्चर है उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट भी किया है और जो इंडिया की आर्किटेक्चर स्टाइल्स है उसको काफ़ी प्रभावित भी किया है। तो जिसमें पहली है उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा है जो उड़ीसा में है। ये जैन धर्म का सबसे पुराना मॉन्यूमेंट माना जाता है। और दूसरा है दिलवाड़ा टेम्पल, तो दिलवाड़ा जैन टेम्पल जो है वो चालुक्य के शासनकाल में बनाए गए थे और ये राजस्थान में है। और है इसमें स्टेचू ऑफ बाहुबली जो कि कर्नाटक में है, वो सिंगल ब्लॉक ऑफ ग्रेनाइट से बनाया गया है। और दूसरे है इसमें आर्किटेक्चर देखें तो अयाग पथ, इट इज़ ए टाइप ऑफ वोटिव स्लैब और टैबलेट एसोसिएटेड विथ वर्शिप इन जैनिज्म। वोटिव स्लैब और वोटिव टैबलेट से मतलब ये है कि जहाँ मन्नतें मांगी जाती है उसी को वोटिव स्लैब या वोटिव टैबलेट कहते हैं। तो ये जैनिज्म का वोटिव स्लैब है अयाग पथ। तो ये आर्किटेक्चर तो हुए जैनिज्म के कौन कौन से, उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स, दिलवाड़ा जैन टेम्पल, स्टेचू ऑफ बाहुबली और अयाग पथ। और कुछ क्वेश्चन और थ्री मार्कर है जैसे कि विनय पिटक, आप देख लीजिए इसको, इसको थ्री मार्कर के में हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने तो इस तरीके से लिख दिया है और आप इसे बहुत ही बेहतर तरीके से और इससे कहीं ज़्यादा अच्छा आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा है सुत्त पिटक, इसको भी देख लीजिए, इसको बास्केट ऑफ डिस्कॉर्सेस भी कहते हैं और जो भी है आप रीड कर लीजिएगा। और अभिधम्म पिटक, इसको भी रीड कर लीजिएगा। तो जैन धर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन मुझसे बन सकते थे वो मैंने बना दिए हैं। और बुद्धिज्म के भी जो आर्किटेक्चर है, बुद्धिज्म की डॉक्ट्राइन्स वगैरह ये बाकी है बुद्धिज्म से रिलेटेड, तो बुद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।